फातिमा इंग्लिश प्री स्कूल, यहाँ बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से लेकर नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी अवेलेबल है। बच्चों की तालीम के लिए सर्टिफाइड टीचर्स रखे गए हैं, इंग्लिश स्पीकिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और साथ ही इस्लामिक लर्निंग, ताकि स्टूडेंट को इस्लाम के बारे में स्टोरीज और हिस्ट्री सिखाया जाए। क्लासरूम एसी इक्विप है और मिनिमम स्टूडेंट्स हर बैच में रखे गए हैं। एडमिशन ओपन है 2023-2024 के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मुसलमानों के बीच रहकर मेडिसिन जिहाद का स्टेटस रख रहा है नीलम ब्यूटी सेंटर का मालिक सुरेश चौहान। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले दो वर्षों से व्हाट्सएप समेत तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो को मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हुए मेडिसिन जिहाद का फिर से वायरल किया जा रहा है। इसके कई फैक्ट चेक हो चुके हैं। फैक्ट चेक में ये बातें सामने आ चुकी कि वीडियो, इसमें दिखाई देने वाली दवाइयों के कैप्सूल के जो स्ट्रिप्स है, ये सभी वीडियो और दवाइयां सभी पाकिस्तान निर्मित है। वीडियो भी पाकिस्तान का है। कई सारे फैक्ट चेक आपको, आप सर्च करेंगे तो इसमें मिल जाएंगे। लेकिन अब इस पुराने वीडियो को, जिस वक्त ये वीडियो वायरल हुआ था, कीले निकल रही है कैप्सूल में से, अलग अलग दो स्ट्रीप है और उसमें से कीले निकलती भी, ये वीडियो बनाया गया है। अब ये वीडियो जो है फिर से मेडिसिन जिहाद के नाम पर वायरल किया जा रहा है। किस तरीके का मैसेज इसके साथ वायरल हो रहा है वो मैसेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात, कौसा में बिल्कुल किस्मत कॉलोनी का जहां परिसर है वहां पर नीलम ब्यूटी सेंटर है। सुरेश चौहान इसके मालिक है, मूल रूप से राजस्थान के हैं और समाज के लोगों ने ये वीडियो उनको भेजा, ऐसा उनका दावा है। जिहाद शब्द पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो पढ़ा नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। उन्होंने अपने स्टेटस पे रखा, उनके कुछ कस्टमर्स हैं, उन्होंने हमसे संपर्क किया, उनके स्टेटस से ये वीडियो डाउनलोड करके हमें भेजा। हमने हमारे रिपोर्टर को भेज करके सुरेश चौहान से बातचीत की। सुरेश चौहान ने सटीक तौर पर बात नहीं की है, बात आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी कि सुरेश चौहान जो है दाएं बाएं गोलमोल जवाब दे रहे हैं। बहरहाल एक और जिहाद जो है मेडिसिन जिहाद के नाम पर मुसलमानों के नाम से हिंदुओं के बीच में दहशत के लिए, डर का माहौल बनाने के लिए प्रोपेगेंडा वार के तौर पर फैलाया जा रहा है और उसको बढ़ावा दे रहे मुस्लिम आबादियों में 100% 100% मुस्लिम ग्राहकों से व्यवसाय करने वाले सुरेश चौहान जैसे व्यापारी। क्या कह रहा है सुरेश चौहान वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कैप्सूल में से कील निकल रही है और वो मैसेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब पुलिस इसका कितना संज्ञान लेती है और इस तरीके का स्टेटस रख करके एक समुदाय विशेष को बदनाम करने के लिए, एक फोर्ज मेडिसिन जिहाद का आरोप मढ़ने के लिए सुरेश चौहान और उनके तमाम जो साथी लोग हैं ये ऐसे वीडियो को वायरल कर रहे हैं। लोगों को जागरूकता होनी चाहिए, कैप्सूल में स्किल निकल रही है इसलिए हम इसे वायरल कर रहे हैं, ऐसा सुरेश चौहान का दावा है। लेकिन मेडिसिन जिहाद या जिहाद, ये दोनों शब्द क्या दर्शाते हैं, किस कम्युनिटी को, किस समुदाय विशेष को बदनाम करने के लिए और उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये काम किया जा रहा है। अब इन सारे सवालों के जवाब खोजना पुलिस का काम है। देखते हैं क्या करती है मुमराव थाने पुलिस। भाई क्या नाम है आपका? सुरेश चौहान। चौहान जी, ये आपकी दुकान का नाम क्या है? नीलम ब्यूटी सेंटर। अच्छा, आपने आपके मोबाइल पे एक स्टेटस रखा है आप जो चला रहे और लोगों ने चला रहे नहीं है, ऐसा नहीं। आया है आज के तो मैंने रखा कि किधर से आया है आपको? ये लोग अपना गांव से भेजे। गांव से मतलब आपके समाज का ग्रुप है, उस ग्रुप में आया तो आपने रख लिया, मगर आपने उसमें ये देखा उसमें जिहाद चला रहे हैं, जिहाद का लफ्ज आपने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। बिना पढ़े आपने इतना बड़ा काम किया। आप मुमरा में कितने सालों से काम कर रहे थे? 20-22 सालों से ये आप मुमरा में ही हैं मुसलमानों के बीच में, तो 20-22 सालों में आपको कोई तकलीफ आई है क्या? कोई तकलीफ नहीं है, कई सालों से अपना रिलेशन है, कस्टमर सब अपने वही है, ऐसा है। कस्टमर आपके कौन है? सभी मुस्लिम हैं। 100% मुस्लिम है ना, तो फिर ये रखने से पहले आपको देखना चाहिए ना आपके समाज में क्या भेजा है। उसमें कोई ऐसा ऑकवर्ड वर्ड नहीं है कि उसमें, नहीं, उसमें जो लिखा हुआ है टोन है आपके मोबाइल में एग्री, मगर जो उसमें लिखा है जिहाद का लफ्ज, मुसलमान ये जहाज चला, खाली टोन देखा मैंने तो रखा कि ये चीज कैसा जागरूकता के हिसाब से, भाई कोई कैप्सूल खाओ पहले भी इसमें, मगर आपके ही कस्टमर
जो ये देख रहे हैं उन्होंने हमें कॉल किया है, आप इधर मुमरा में क्या चला रहे हैं, जातिवादी का एक स्टैंड चला नहीं, रहे नहीं, हैं। ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं कि जातिवादी से हम लोग ये चीज़ करेंगे, ऐसा ये चीज़ होना चाहिए ऐसा, क्योंकि इतने सालों से बैठे अपने आज मार्केट में इज्जत भी है, नाम भी है, सब चीज़ है, तो हम क्यों करेंगे ऐसा है। अभी आप इधर 30 सालों से है, आपको मुसलमानों ने कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आपके समाज के ग्रुप में ये मैसेज जो चला है, तो आप अपने समाज के ग्रुप में ये मैसेज क्यों नहीं चलाते हो, हम इतने साल से यहाँ मुसलमानों के बीच में ही रह रहे हैं, इधर कोई जाति वाति का मामला नहीं है। ये हमारे ग्रुप में है ना, सबको मालूम है कि ये सूरज इधर रहता है, ऐसा है। हाँ, तो फिर ये चलाने का मतलब क्या? लड़के सब स्टाफ मुस्लिम काम करती है, ये मैसेज चलने का मतलब क्या? 22 बच्चे काम करते हैं, ये तो पब्लिक जागरूकता के लिए, कभी उसको कैप्सूल है ना, खोल के चुमक चेक करके खाओ, ऐसा लिखा हुआ, वो चीज है। बाकी कोई मेरा इरादा नहीं कि अपने ऐसा करना है, वो चीज़। आपने ये देखा है किसी के इधर निकला है कोई मेडिकल शॉप में या कहीं, आपने ये देखा है? खाली ये जो वायरल हो रहा है, आपने बहुत टाइम पहले है ना, कैप्सूल में वो आया था, क्या बोलते, खिल निकला था। हाँ, मैंने खुद आंखों से देखा था, हो गई 8-10 साल पहले की बात, 8-10 साल। इसीलिए हम लोग देखा भाई, कुछ भाई ध्यान रखो कोई चीज, अपने 5-6 हजार ग्रुप कस्टमर है मेरे पास, ऐसा है सबका ध्यान में, तो इसीलिए अपन लगा। बाकी मतलब आपने ये कस्टमर के जागरूकता के हिसाब से रखा, इसमें जातिवादी है ये चलाने के साथ, कोई जातिवाद नहीं, ये आपका क्या? मगर ये जो उसपे लिखा है वर्ड जिहादी करके, नहीं नहीं वो तो, ये तो रॉन्ग लिखा, क्या है वो अभी भगवान जाने, मेरे को तो मालूम नहीं है, पर मैंने खाली ट्यून देखा और रखा ऐसा है, बाकी कोई उसमें अपना इरादा नहीं है। नहीं, आप समुदाय को ट्यून देख के आप रखे, मगर उसमें लिखा हुआ वो नहीं देखे, ये बात नहीं समझ में पड़ा, रेल में नहीं पड़ा।